हाँ ये वाला देखिए बेटा, अगर कंटेनर का हॉरिजेंटल एक्सलरेशन भी हो तब भी बहुत सिंपल है, तब भी आप उसी कंसेप्ट से सराउंडिंग लिक्विड फोर्स कैसे लगाता है ये भी बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं। आपका ये कंटेनर है, फिर इसमें कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह का, ये ऑब्जेक्ट है, और अगर अभी कैसे बैलेंस है रस्सी से कैसे भी, वो बात अलग है, बस इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है, मुझे निकालना है बस ये सराउंडिंग लिक्विड कितना फोर्स लगाएगा इसको, कब स्टेशनरी का क्लियर है अपवर्ड एक्सलरेशन ए नॉट जा रहा है तो वर्टिकल फोर्स भी क्लियर था, बट अगर अब ये ए नॉट से एक्सलरेट इस डायरेक्शन में होने लग गया तो आप सराउंडिंग लिक्विड इस पर एक हॉरिजेंटल फोर्स भी लगाने लग जाएगा बेटा, ठीक है। प्रोसेस वही रहेगा, हम क्या करेंगे इसको बिल्कुल लिक्विड से रिप्लेस करेंगे, इसको सराउंडिंग लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है वो निकालने के लिए बिल्कुल सेम लिक्विड से रिप्लेस कर दिया। अब क्योंकि सराउंडिंग लिक्विड का प्रेशर हाइट वाइट पे डिपेंड करता है, वो कहीं चेंज है नहीं जब आप इसको लिक्विड से रिप्लेस करते हैं, तो ये पूरा एक लिक्विड बन गया। अब ये लिक्विड का एक्सलरेशन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जीरो नहीं है, तो अगर ये नहीं होता तो फिर हॉरिजेंटल में कोई फोर्स नहीं लगता है, केवल वर्टिकल में लग जाता है रो एल इंटू वी आई इंटू जी, बट अगर ये ए नॉट एक्सलरेटेड है तो अब इस पर सबमर्ज ऑब्जेक्ट पर एक हॉरिजेंटल फोर्स भी आना चाहिए बेटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप इस पर फोर्स बैलेंस करेंगे तो हॉरिजेंटल में इसका एक्सलरेशन है लिक्विड एलिमेंट का, ठीक है ना। ये आपका लिक्विड एलिमेंट है और ये वही सॉलिड था, हम उसको लिक्विड एलिमेंट से रिप्लेस करते हैं, तो इस लिक्विड एलिमेंट का एक्सलरेशन कितना है? ए नॉट है, तो सर कौन देगा ये एक्सलरेशन? सराउंडिंग लिक्विड का फोर्स ही तो दे रहा है, ठीक है। तो इस लिक्विड पर सराउंडिंग लिक्विड का फोर्स कितना आएगा? रो एल इंटू वॉल्यूम इन साइड, इसका जो वॉल्यूम है इंटू ए नॉट, तो यही फोर्स आप किस पे मानेंगे? इस सॉलिड पर भी मानेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सराउंडिंग लिक्विड अगर हॉरिजेंटली भी एक्सलरेटेड है तो सराउंडिंग लिक्विड का एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी सबमर्ज ऑब्जेक्ट पर आ जाएगा बेटा, पार्शियली सबमर्ज या फुली सबमर्ज इस केस में सेम ही रहेगा, ठीक है ना। जब भी एक्सलरेटेड हॉरिजेंटली है तो आप एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट सराउंडिंग लिक्विड का सबमर्ज ऑब्जेक्ट पर और ऐड कर देंगे और ध्यान रखेंगे इसको। तो अब इस पर इस सिचुएशन में दो लग रहे हैं, ग्रेविटी तो रहेगा ही, तो इस सब एक सराउंडिंग लिक्विड एक तो ऊपर फोर्स लगा रहा है सिचुएशन में, जिसको आपने क्या बोला है रो एल इंटू वी आई इंटू जी, और एक सराउंडिंग लिक्विड हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी लगा रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं बेटा इसको जैसे अंदर बैठ गए तो फिर हर पार्टिकल पर सुडो फोर्स लगने लग गया, तो फिर एक इसको सुडो ग्रेविटी बोल देते हैं, जैसे हर डायरेक्शन में एम जी लग रहा था, अब अंदर बैठे तो उसके ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हर पार्टिकल पर एम ए नॉट लग रहा है, तो जब एम जी नीचे की तरफ लग रहा था ऊपर एक बॉयंट फोर्स बोलते हो आप ये वाला रो एल इंटू वी आई इंटू जी, तो वैसे ही अब हॉरिजेंटल में भी क्या हो गया, इधर एक वर्चुअल ग्रेविटी बोल सकते हैं इसको, ए नॉट क्रिएट हो गया तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट कौन सा है, सुडो फोर्स इधर लग रहा है तो इधर ही तो आएगा, और इससे भी अपना वही निकल के आ रहा है इस पर जो अपन ने फोर्स बैलेंसिंग करके एफ इक्वल्स टू एम ए से निकाला, ठीक है। तो इस तरह ध्यान रख सकते हैं आप, एक्सलरेशन सुडो फोर्स लगाइए, ठीक है, ए नॉट इधर है तो फिर जैसे बॉयंट फोर्स लगाते थे इस डायरेक्शन में बिल्कुल वैसे ही फोर्स आ जाएगा रो एल इंटू वी आई इंटू ए नॉट, कैसे भी समझ सकते हैं आप, थ्रू बॉयंट सुडो फोर्स समझ लीजिए, सुडो ग्रेविटी समझ लीजिए, बट आपको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि जब सबमर्ज ऑब्जेक्ट है कंटेनर एक्सलरेटेड हो रहा है तो एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी आएगा इस नॉर्मल जो आपका बॉयंट फोर्स होता है सराउंडिंग लिक्विड का उसके साथ एक ये और आ जाएगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी जो यहाँ पे सुडो फोर्स आप मानेंगे उसके अपोजिट, जैसे सब जगह एम जी लगता है तो आप बॉयंट फोर्स ऊपर लगाते हैं, सब जगह एम ए नॉट लग रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रो एल इंटू वॉल्यूम इन साइड इंटू ए नॉट लगा देंगे, ये सराउंडिंग लिक्विड के नेट कंपोनेंट है वर्टिकल और हॉरिजेंटल, कंटेनर का अगर हॉरिजेंटल एक्सलरेशन ए नॉट और, ठीक है। अब इसकी प्रॉब्लम्स लेते हैं अपन, इस तरह के एक्सलरेटेड जब कंटेनर होने लग जाता है तो सराउंडिंग लिक्विड के जो फोर्सेस में चेंज आया है इस सब की अब प्रॉब्लम करते हैं। मान लीजिए कंप्लीटली सबमर्ज नहीं होता है तो उसके एक्सलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? ये आपका एक कंटेनर है, ये लिक्विड है, ये आपका ऑब्जेक्ट कोई है जो इसमें पार्शियली सबमर्ज है, इस तरह से फ्लोट कर रहा है, तो अब सराउंडिंग लिक्विड का फोर्स निकालना है तो आपको पता है इसकी भी प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है आपको, ये आप क्या करते हैं इतने ही वॉल्यूम के जितना वॉल्यूम सबमर्ज है उसी शेप के बिल्कुल लिक्विड से रिप्लेस कर लेते हैं इसको। अब सराउंडिंग लिक्विड जितना फोर्स यहाँ लगा रहा है बिल्कुल सराउंडिंग लिक्विड इस एलिमेंट पे भी उतना ही फोर्स लगाएगा क्योंकि प्रेशर सब जगह वही है, बट आप ध्यान रखेंगे कंटेनर एक्सलरेटेड है ए नॉट, तो इस पर आप फोर्स बैलेंसिंग करेंगे इस एलिमेंट पर इस सॉलिड पर, तो यहाँ लिख देते हैं ये सॉलिड है, ये इसका इक्विवेलेंट लिक्विड से आपने रिप्लेस करने के बाद देख रहे हैं दोनों में सराउंडिंग लिक्विड का फोर्स बिल्कुल सेम रहेगा,
तो इस पर आप फोर्स बैलेंसिंग कैसे करेंगे इस एलिमेंट पर? एक तो नीचे एम जी आएगा इस पर, ठीक है, इस पर एक तो एम जी आ रहा है नीचे, तो इसको अलग से ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की फोर्स बैलेंसिंग को। एम जी नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से क्या आएगा? प्रोजेक्टेड एरिया पी ए टी एम इंटू ए पी, आपका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एटमोस्फेरिक प्रेशर का। अब अपन कंटेनर के रिस्पेक्ट में बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है सॉलिड, ठीक है। तो इस पर आपको एक सूडो फोर्स और लगाना पड़ेगा एम ए नॉट, ठीक है। इस सारे फोर्सेस को बैलेंस करने वाला फोर्स होगा सराउंडिंग लिक्विड का जो फोर्स होगा, तो आप लिखिए इसको बैलेंसिंग क्या आ गई, एफ एस अपवर्ड डायरेक्शन में, एफ एस ये बाकी सब डाउनवर्ड है अभी, एम जी प्लस एम ए नॉट प्लस पी ए टी एम इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। अब इसी तरह इसमें लिखिए, इस लिक्विड एलिमेंट पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? ऊपर से पी प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बिल्कुल वही है पी ए टी एम इंटू ए पी, इसमें तो पूरा एरिया नॉर्मल ही लग रहा है, प्रोजेक्टेड एरिया की जरूरत नहीं है इसमें, बट वहाँ पर इतना ही एरिया है ये भी, तो उसको मैंने इसलिए ए पी लिख दिया, ठीक है। ये सब कर चुके हैं अपन लास्ट लेक्चर में। तो अब एक्स्ट्रा फोर्स क्या आएगा? इसका वेट हो जाएगा रो एल इंटू वॉल्यूम इन साइड इंटू जी इस लिक्विड का, और इस पर भी एक सूडो फोर्स लगेगा क्योंकि कंटेनर के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं जी प्लस ए नॉट, और क्या बच गया है, इसी फोर्सेस को सराउंडिंग लिक्विड का फोर्स बैलेंस कर रहा है। तो आप इसमें लिख दीजिए एफ एस इक्वल टू क्या आ रहा है, पी ए टी एम इंटू ए पी प्लस रो एल इंटू वी आई, इधर ए नॉट आएगा सूडो फोर्स लग रहा है, ए नॉट रो एल इंटू वी आई इंटू ए नॉट, यहाँ भी सूडो फोर्स है, तो ये आ गया आपका ए नॉट प्लस जी आ गया, ठीक है। तो सराउंडिंग लिक्विड का कोई फोर्स पूछता है तो आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, बट आप इन दोनों कंडीशन से फिर फ्लोटिंग कंडीशन निकालेंगे, दोनों फोर्स सेम है, तो फ्लोटिंग कंडीशन क्या आ जाएगी आपकी, पी ए टी एम इंटू ए पी, इन दोनों को इक्वेट कर दें बस, रो एल इंटू वी आई इंटू जी प्लस ए नॉट इक्वल टू एम जी एम इंटू जी प्लस ए नॉट, ये आ जाएगी बेटा, ठीक है, रो एल इंटू वी आई इंटू जी प्लस ए नॉट एम इंटू जी प्लस ए नॉट, ठीक है। तो अब भी आप देख रहे हैं कि इस सिचुएशन में भी क्या आ जाएगा आपकी फ्लोटिंग फ्लोटिंग कंडीशन में, दोनों तरफ जी आता, अगर ए नॉट नहीं होता तो आप एम जी इक्वल टू रो एल इंटू वी आई इंटू जी करते। तो यहाँ पर अगर कोई पूछता है इस तरीके से कि पहले एक्सलरेटेड नहीं था कंटेनर, इस तरह से लिक्विड भरा था या ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा था, तो यहाँ पर फ्रैक्शन कितना था, ठीक है ना, जब एक्सलरेटेड नहीं था आपके पास कंडीशन क्या थी, एम जी इक्वल टू रो एल इंटू वी आई इंटू जी, एम जी को आप क्या लिख सकते हैं, रो एस इंटू वी टी इंटू जी इंटू रो एल इंटू वी आई इंटू जी लिख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर फ्रैक्शन कितना आ रहा था, फ्रैक्शन आ रहा था वी इनसाइड अपॉन वी टोटल, तो जी से जी कट जा रहा था, रो एस अपॉन रो एल आ रहा था, ठीक है ना, जब एक्सलरेटेड नहीं था। अब इसमें भी वही आ रहा है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम तो अनचेंज रहेगा, तो ऐसा प्रॉब्लम आता है कि आपका ये ऑब्जेक्ट है फ्लोट कर रहा है, अगर आपने इसको एक्सलरेट कर दिया ए नॉट से ऊपर, तो बताइए फ्रैक्शन ऑफ सबमर्ज्ड वॉल्यूम कितना चेंज हो जाएगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको लिखेंगे रो एस इंटू टोटल वॉल्यूम, क्योंकि दोनों जगह जी प्लस ए नॉट आ गया ना बेटा इसकी जगह, वो आप डेरिवेशन से समझ सकते हैं यहाँ पर, रो एल इंटू वी आई इंटू जी प्लस ए नॉट, तो आपका कितना आ गया, वी आई अपॉन वी टी आ गया आपका रो, वी आई अपॉन वी टी आ गया आपका रो एस अपॉन रो एल आ गया, तो वही आ गया रो एस अपॉन रो एल आ गया, ये फ्रैक्शन आपका इस केस में अनचेंज रह गया, पहले कंटेनर था स्टेशनरी था तब क्या फ्रैक्शन था, फिर ए नॉट एक्सलरेशन से ऊपर जाने लग गया तब भी फ्रैक्शन अनचेंज रह गया, क्योंकि जो फ्लोटिंग कंडीशन थी आपकी एम जी इक्वल टू रो एल इंटू वी आई इंटू जी, उसमें दोनों तरफ जी प्लस ए नॉट ऐड हो गया, बस ये चेंज आया बेटा, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं आया, तो वो कट गया दोनों तरफ से, तो फ्रैक्शन अनचेंज रह गया। बट आपसे पूछे सराउंडिंग लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये एक्सलरेटेड में चेंज हो जाता है, दोनों तरफ चेंज हो गया कम्प्लीटली, सबमर्स में भी जो आप लिखते थे सराउंडिंग रो एल इंटू वी आई इंटू जी, तो वो जी प्लस ए नॉट हो गया, अगर ये डाउनवर्ड जा रहा होता तो आप जी माइनस ए नॉट कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस तरह के एक्सलरेटेड डब्बे के अंदर क्या होता है, किस तरीके से आपका सराउंडिंग लिक्विड का फोर्स चेंज हो गया। अब बात हम इसी तरह से हॉरिजेंटल की भी कर लेते हैं, कि अगर हॉरिजेंटल भी एक्सलरेशन आ जाए तब क्या फर्क पड़ेगा, तब भी आप बहुत ईजिली समझ सकते हैं, देखिए उसको भी एक बार।